तेरी मेहनत में तेरी हरकत में मेरा अल्लाह बरकत दिया तो तू यह करया, वरना दुनिया की मेहनत कर ले अल्लाह तेरी कमाई से बरकत अगर छीन ले तो गांह बैठा वहां बैठता, आगे भी नहीं बढ़ता ऊपर भी नहीं चढ़ता, अल्लाह की मशीहत से होता जो कुछ होता। ये इबरत है इसमें। बाज लोग सूद के पैसों से बिल्डिंग खड़ा करते हैं और लिखते हाजा मिन फजली रब्बी, अल्लाह के फजल से बिल्डिंग बना डाला, कई को वही बना था अल्लाह के फजल से। हाजा मिन फजली वड्डी का तो लिखना, ये वड्डी के फजल से बन को खड़ी से बिल्डिंग का तो, अरे वड्डी के पैसे से बना को अल्लाह का फजल का लिखता क्या भाई, वहां नहीं लिखना, वो घर जायज भी नहीं, उसमें नमाजा होते भी नहीं तेरे। बादशाह ईसाई बादशाह से, रूम के बादशाह से अब्दुल्ला बिन हुसैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ऐ ज़ालिम सुन ले, मेरी आंखों के आंसू जान से घबरा कर डर कर नहीं निकले, बल्कि इस वजह से निकले, इतने बड़े जिस्म में अल्लाह एक जान रखा, अगर खसम अल्लाह की इस जान में इस जिस्म में 100 जाना भी अल्लाह रखता, ये 100 के 100 जाना इस पकते हुए देग में डालकर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता, एक जान तेरे वास्ते उठा को नहीं रखता। यह जवाब सुनकर बादशाह घुटनों के बल नीचे बढ़ गया, घुटनों के बल बढ़ गया, बोला अब्दुल्ला तेरे ईमान के सामने मैं हार गया, मैं हार गया, मेरी आखिरी एक तमन्ना पूरी कर दे, मेरे पेशानी को एक बोसा दे दे। अल्लाह के नबी बयान फरमाते मा मिन शयिन असखलु फिल मीज़ान यौमुल क़ियामा, दो चीजें ऐसी हैं जो कयामत के दिन अल्लाह की तराजू में रखकर तोले जाने में सबसे ज्यादा भारी भरकम होंगे, वो दो चीजें कौन सी, अत्तख्वल्लाह अल्लाह का डर, वह हुस्नुल खुल्क अच्छे अखलाक, इंसान के अच्छे अखलाक और अल्लाह का डर, ये दो चीजें कयामत के दिन तोले जाने वाली चीजों में सबसे ज्यादा भारी रहेंगे। 16वें पारे में अल्लाह ताला तीन सूरतों को जमा किया है, सूरह कहफ, सूरह मरियम, सूरह तौहा। सूरह कहफ के बारे में कल मैंने आपके सामने बताया कि अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का जो मदीने से तीन सवाल लाए थे रूह के बारे में, असाबुल कहफ के बारे में, ज़ुल्खरनैन के बारे में, ये तीन सवालों के जवाब देने अल्लाह ताला नाजिल किया 14 दिनों के बाद, जब नबी को इंशाअल्लाह के बारे में बताया गया। सूरह कहफ में अल्लाह ताला दो भाइयों का भी किस्सा बयान करता है, वज़ीर इब्लहुम मसलन, अल्लाह ताला कहता है कि उन दो भाइयों के बारे में कि ऐ मेरे नबी इनके सामने उन दो भाइयों का वाकया भी पेश करो, वज़रिब लहुम मसलर रजुलैन जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन अअनाबिन वहफफनाहुमा बिनखलिन वजअलना बैनहुमा ज़रअ। वो एक दो दोस्त थे, दो भाई थे, उनमें के अल्लाह तबारक व तआला बाग दे रखा था अंगूरों के, उनमें का एक कहता था कि ये जो कुछ है मेरे अल्लाह की जानिब से मुझे मिला है, जब उसमें दाखिल होता तो कहता मेरे अल्लाह की मशीयत मेरे अल्लाह की मर्ज़ी से ये मुझे मिला है, अल्लाह ने उसके बाग को सलामत रखा, खूब बरकतों से मालामाल किया। दूसरा कहता था कि ये बाग मैंने कमाया है, मैंने हासिल किया, मेरा, तकब्बुरी करता था, अल्लाह ने उसके बाग को सत्यानाश कर दिया। ये वाकिया हमारी इबरत के लिए कुरान मजीद में हमारे सामने अल्लाह बयान करता, मतलब क्या, आज आप एक बड़ी बिल्डिंग के मालिक बन गए, आज आप 12 लाख से 18 25 लाख की बड़ी इंपॉर्टेंट कार आपने खरीद ली, तो ये ना कहना ये मई कमा को लिया सो, ये मई कमा को भंध्या सो, ये मई अत्ता सुबी करया सो, अल्लाह तौफीक दिया तो तू किया, मई का जुमला अल्लाह को पसंद नहीं, बल्कि ये बोलना ये सब मेरे अल्लाह के फजल से मुझे मिला, मेरे अल्लाह की तौफीक से मैं ये सब कर सका, मेरे ख़ानदान वालों के लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए मैंने मस्जिद बनाने का ज़रिया अल्लाह मुझे बनाया, मदरसा बनाने का, ये बिल्डिंग बनाने का, गाड़ियाँ ले, ये सब कुछ मेरे अल्लाह की तौफीक से मिला, मेरे अल्लाह के फजल से मिला, बोले तो अल्लाह खुशों को और ज़्यादा देता, नहीं मई करया मेरा,
मैं ये सब भी मेरी इलम से, अक्ल से, हुनर से, मेरे मेहनत से मैं कद बोले तो अल्लाह वहां सत्यानाश कर डाल। ये जुमला अल्लाह को पसंदीच नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं। हालांकि तू मेहनत करया, तेरी मेहनत में, तेरी हरकत में मेरा अल्लाह बरकत दिया तो तू ये करया, वरना दुनिया की मेहनत कर ले, अल्लाह तेरी कमाई से बरकत अगर छीन ले तो गांह बैठा वहां बैठता, आगे भी नहीं बढ़ता, ऊपर भी नहीं चढ़ता। अल्लाह की मशीयत से होता जो कुछ होता, ये इबरत है इसमें। बाज लोग सूद के पैसों से बिल्डिंग खड़ा करते और लिखते हाजा मिन फजली रब्बी, अल्लाह के फजल से बिल्डिंग बना डाला, कई को वही बनाता अल्लाह के फजल से। हाजा मिन फजली वड्डी का तो लिखना, ये वड्डी के फजल से बन को खड़ी से बिल्डिंग का तो, अरे बड्डी के पैसे से बना को अल्लाह का फजल का लिखता क्या भाई, वहां नहीं लिखना, वो घर जायज भी नहीं, उसमें नमाजा होते भी नहीं तेरे। वड्डी अलग चीज, अल्लाह का फजल अलग चीज, और जो कुछ तुम्हारे पास है और जो मिलने वाला है सब कुछ अल्लाह के फजल से मिला बोलना, मैं कहने का जुमला इस्तेमाल नहीं करना, अल्लाह को यह पसंद, ये इबरत है उसके अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म क्या तुम्हारे पास है क्या, का तो सवाल करे कौन की। मूसा अलैहिस्सलाम को क्या चाहिए था जवाब देना, उनको ये जवाब देना चाहिए था अल्लाहु आलम, अल्लाह सबसे ज्यादा जानता, ऐसा उनको बोलना चाहिए था। उन्होंने भी एक इंसान थे, गलती हो गई, उन्होंने क्या बोले, हाँ मैं सबसे ज्यादा जानतू सो बोल डाले। अल्लाह को यह जुमला ना पसंद आया, मैं बोलना अल्लाह पसंदिश नहीं करता। आज हम लोग कितना भी इल्म हासिल करें दे, पूरी जिंदगी इल्म हासिल करें तो भी इल्म का एक कोर भी हासिल नहीं कर सकते, एक टुकड़ा भी हासिल नहीं कर सकते। कितना बड़ा अल्लामा, बड़ा डॉक्टर का पीएचडी करया वाला का डबल डिग्री, डबल पीएचडी करयास वाला रहा तो भी एक तिनके के बराबर भी उन्हें इल्म हासिल नहीं कर सका। अच्छा इल्म वाला ये बोलता मैं इसके बारे में एक स्टूडेंट हूं भाई, एक तालबे इल्म हूं भाई, मुझे कुछ नहीं मालूम, थोड़ा बहुत मालूम भाई, ये बोलने वाला सबसे बड़ा आलिम। जर्रा जुर्रा जान ले को मैं मुफ्ती, मैं बड़ा अल्लामा, ऐसा बोलने वाला एक नंबर का जाहिल होने आधा घड़ा चाहते बहुत आवाज करता सा, फुल घड़ा खामोश रहता। अगर आपके पास इल्म आ गया तो संजीदगापन रहना, उसे बोलती सो इल्म। इल्म किसे बोलती, अखलाक इंसान के अंदर आ जाती, बुर्दबारी आ जाती, नरमीपन आ जाती, उसके अंदर फुल कैरेक्टर आ जाता, इंसानियत कूट कूट को अल्लाह ताला उसके अंदर भर डालता जिसके अंदर इल्म आता। इसे इल्म की निशानी बोलते हैं। थोड़ा बहुत जाने वाला बहुत अकड़ता, डब्बे में फतरा डालो हला बहुत आवाज करता, ऐसा कभी भी नहीं करना, मैं पसंद नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के जुमले निकल गए, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं सो बोल लाले, अल्लाह को नापसंद लगा ये जुमला। अल्लाह ने कहा मेरे मूसा तेरे पास जो इल्म है वो कुछ भी नहीं है, तेरे से बड़ा जानने वाला एक है, तो जा उसके पास इल्म हासिल कर। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिए मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ने कहा तेरे तोशदान में एक तली हुई मछली रख ले और लेकर चुपके सफर करते रह, जहां वो मछली तेरे तोशे में से जिंदा होके निकलकर समंदर में जाएगी वहीं पर उसे तलाशना, वो इंसान तुझे मिलेगा, उससे इल्म हासिल करना। अब तली हुई मछली तोशे में रख लेकर, ये पूरा कुरान की आयतें मैं आपके सामने बोल रहा हूं, सो कुरान में अल्लाह ये जिक्र करया सूरह कहफ में। अब लेकर निकले यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को साथ में लिए निकले, एक जगह आराम कर रहे थे वहां पर वो मछली जिंदा हुई और पानी में कूद पड़ी। इन्होंने आगे 3 दिन का सफर आगे कर लिए, उनके रहबर को पूछे कहाँ है भाई वो मछली स्नैन, अरे वो तो वहां से निकल गई। फिर बोले कहीं को नहीं, चलो वापस आए। वापस आको जहां वो मछली गई थी वहां एक पानी का सुराख बना हुआ था, मछली जाने की अलामत। फिर उनको तलाशा गया, वहां खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। लोग खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ा गलत अकीदा रखते हैं कि ये इंसानों में अबदी हयात पाने वाले, लंबी हयात पा, जब से दुनिया बनी खिजर अलैहिस्सलाम है, जब तक दुनिया रहेगी खिजर अलैहिस्सलाम, बिल्कुल गलत बात, बकवास बात।
मौजू मन घड़ा बात। अरे ये भी अल्लाह के एक नेक इंसान थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको इल्म दिया था, तख्वा दिया था, इनसे इल्म हासिल करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम भेजे। दुनिया जब से है उस वक्त, दुनिया जब तक रहेगी उस वक्त, ये बिल्कुल गलत बात। नबी अलैहिस्सलाम ग़ज़वा बदर के मौके पर क्या दुआ करती, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल असाबा लम तुअबद इला यौमिल क़ियामा, ऐ अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात 313 मेरे सहाबा अगर मारी गई, क़यामत की सुबह तक तेरी इबादत करने वाला इस ज़मीन पर कोई नहीं बचेगा। मतलब इस ज़मीन पर जितने भी ईमान वाले हैं इन्हों मर गए तो फिर कोई भी नहीं। उनमें खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं थे, ऐसे बेशुमार दलाइल हैं। खैर खिज़र अलैहिस्सलाम लंबी हयात वाले नहीं थे, उनकी भी एक मुख्तसर उम्र थी, अपनी उम्र में जी लिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात, उसके बाद उन्होंने बोले मेरे पास जो इल्म है बड़ा सब्र वाला इल्म, तुम्हें जल्दबाज इंसान बहुत गुस्से वाले इंसान मेरे से इल्म हासिल लेंगे, नहीं नहीं मैं तुम्हारे से इल्म हासिल कर, तुम बहुत सब्र कर, अच्छी बात बैठो। कश्ती में बिठा लिए, जाते जाते कश्ती को ख़राब कर दिए। अरे क्या जी उन्हें पैसे भी नहीं ले रहा, गरीब बच्चा कहते तुम्हें कश्ती ख़राब करे, मैं बोला नहीं था तुम ना मेरे से इल्म हासिल करना तो सब्र करना, चुपचाप रहना, मैं क्या करता हूँ चुपके देखते रहना, सवाल नहीं करना ऐसा, ओहो ये इल्म क्या, और एक बार सवाल नहीं करता मैं चुपके रहता हूँ। फिर आगे गए, फिर वहाँ जाने के बाद एक बच्चा खेल रहा था, उसे बुलाए मुंडी मुदड़ डाले, छोटा बच्चा, अब किसे गुस्सा नहीं आता, अरे क्या जी तुम्हें क्या कि बड़े उस्ताद का तो बोल को इल्म हासिल करना है, छोटे बच्चे जान से मरदा लेना जी, तुम्हें कहीं क्या आदमी जी, मैं बोला नहीं मेरे से इल्म हासिल करना सबर कर, ओहो ये बच्चे मुंडी मुदड़े से भी इल्म क्या, और एक बार क्या क्या भी सवाल करता है, और एक बार क्या सवाल करे तुम्हारे मेरे बीच में जुदाई, अच्छी बात। एक दीवाल गाँव में खाना पूछे, कौन खाना नहीं दिया, चलो ये गाँव वाले की दीवाल टुटको पड़ी बनेंगे, कैसे आदमी जी, गाँव वाले खाने पूछे खाने दे रहे नहीं, उनकी दीवाल फ्री में बनाती है, हमें फ्री में खड़ा करना है, नहीं होता नहीं का तो होता नहीं ऐसा, ठीक है मैं कर दूँ मैं कर दूँ, मैं बोला था तुम ना तुम्हें सब्र नहीं करते, ओहो ये भी इल्म क्या, ठीक है ले वक्त बनाए। अब बोले अब सुनो अल्लाह ताला तुम्हारे मेरे बीच में जुदाई पैदा करा डाल रहा, मतलब अब तुम्हें मेरे साथ नहीं रह सकते। वो जो कश्ती थी वो एक यतीम बच्चे की थी, आगे चल को एक बादशाह कश्तियों पे कब्जा करने वाला, मैं कश्ती का मुंह बिगाड़ डाला ताकि वो बादशाह इसे कब्जा ना करे, वो बच्चा इसी कश्ती से अपनी माँ का घर चलाता रहे। ये बच्चा जिसे मैं मार डाला, इनके माँ बाप नेक मुत्तकी ईमान वाले अल्लाह ने मुझे बताया आगे चल को ये बच्चा अपने माँ बाप को काफिर बनाने वाला था, ईमान को ज़ाया करने वाला था, कुफ्र पर ले जाने वाला था, मैंने इस बच्चे को मार दिया और मैं उम्मीद करके दुआ करता हूँ अल्लाह इसके माँ बाप को और बच्चे दे जो ईमान वाले हों। इस बच्चे की वजह से माँ बाप कहीं को काफिर होना, इसीलिए मैं मर, और ये जो दीवार हम उठाए ये दो यतीम बच्चों की, उनके माँ बाप बड़े नेक बड़े मुत्तकी, वो अपने बच्चों के लिए एक ख़जाना यहाँ छुपाए रखे हैं, दीवार गिर गई बारिश आएगा पानी के सैलाब से मिट्टी हटेगी ख़जाना बाहर पड़ेगा गांव वाले कब्जा कर लें, मैंने चाहा इसके ऊपर मजबूत दीवार खड़ा कर दूँ ताकि ये छोटे यतीम बच्चे बड़े हो जाएँ, और बड़े होने के बाद जब ये दीवार गिरेगी तो अपना ख़जाना खुद हासिल कर लें। ये मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर जब खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती पे जा रहे थे पहली मरतबा, तो मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से सवाल करे, अल्लाह ताला मुझे आपके पास इल्म हासिल करने भेजा और बताया कि मूसा जो तेरे पास इल्म है वो कुछ भी नहीं है, तेरे से ज़्यादा जानने वाला खिज़र के पास इल्म है, अब मुझे ये बताओ तुम्हारे पास कितना इल्म है, मतलब मेरा इल्म कम तुम्हारा इल्म ज़्यादा, तुम्हारे पास कितना इल्म है मुझे बताओ। बोले खिज़र अलैहिस्सलाम वो जवाब देने से पहले कश्ती के किनारे एक चिड़िया आकर बैठी और वो समंदर में चोंच डाल के पानी ली और पी ली और फिर उड़ गई। खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को बताए वो परिंदा देखे जो अभी अभी समंदर में चोंच डाल के अपनी चोंच से एक कतरा पानी पिया, देखे हाँ देख वो जो परिंदा इस समंदर में से जो एक कतरा पानी लेके उड़ा, वो एक कतरा मेरा इल्म तुम्हारा इल्म जब से दुनिया बनी पूरी दुनिया का इल्म जब तक कयामत आएगी पूरी कयामत तक के दुनिया का इल्म वो एक कतरा, और ये समंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का इल्म।
अल्लाह के इल्म के सामने वो एक खतरा, पूरी दुनिया का इल्म, पूरी दुनिया का जितने उलूम हैं, जितने साइंस हैं, जितने टेक्नोलॉजी हैं, जितने आसमान दुनिया से लेकर चांद में जाने का टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट है, ये जितने कंप्यूटर्स हैं, ये तमाम उलूम वो एक खतरे के अंदर है। पूरी दुनिया का इल्म वो एक खतरा, अल्लाह का इल्म पूरा समंदर। अब हमें क्या जी हासिल करते हैं, हमारे पास क्या जी है, इंसान थोड़ा बहुत जान लिया तो अपने आप को अल्लामा समझता, अपने आप को वो मिस्टर गूगल में जाको जरा हदीसा देख लेता, अरे हमारे मुफ्ती साहब मिस्टर गूगल, तो मैं क्या बोले तुम्हें, गूगल से निकाल सर्च करता जाए, बगैर उस्ताद की रहबरी के तुम्हें कोई इल्म सही ढंग से हासिल नहीं कर सकते। अगर हर इल्म गूगल से हासिल करना रहता, 8 साल मदरसे की दाल खा को हमें कहीं पड़काते थे, हमें भी गूगल लेके बैठते थे, नहीं गलत है। उस्ताद की रहबरी के बिना कोई इंसान सही इल्म हासिल नहीं कर सकता। एक आदमी फजर की नमाज में 2 रकात जो नमाज पढ़ना, वो 2 रकात नमाज पढ़ ले खड़ा, ऐसा हल रहा नमाज पढ़ ले को खड़ा, फुल हल रहा, यूं यूं हल रहा, यूं यूं हल रहा, यूं यूं हल रहा। अब उसे अकेले पकड़ को पूछे, ए दीवाने खड़ रहे ऐसा कहीं हल रहा, नमाज पढ़ ढंग से पढ़, यूं खड़ा सच ऐसा ऐसा कहीं को दीवाना हले सक, ए मैं हदीस में पढ़ी हूँ, जैसा हदीस है वैसा चमल कर रहा हूँ, क्या है इसकी, अभी तक को से मौली साहब ऐसी हदीस नहीं बताए, इन्हें फजर की वो 2 रकात क्या डुल्ले डुल्ले पढ़ रहा था, तो क्या हल्ले हल्ले पढ़ रहा था, तो हदीस है कहते बुखारी की हदीस, मैं हदीस में दलील दिखाता हूँ तुम ना, कहा दिखा बा, हदीस निकाल को पढ़ा, क्या है, अल्लाह के नबी फजर की वो 2 रकात हल्की पढ़ते थे, गत लिखो है उसमें, हल्की पढ़ते थे, वो पढ़या हल्ले खड़ गया इन्हें, उसे पकड़ को रख को देखो बोले, अरे पागल ये हल्की का तो मुख्तसर पढ़ते थे, वो मतलब हल्ले ढुल्ले नम्मे, बगैर उस्ताद की रहबरी के हदीसा पढ़ा यूज पढ़ता सो ऐसा समझता, उस्ताद की रहबरी से इल्म हासिल करा सही इल्म हासिल करता, ये एक मिसाल है छोटी। खैर आइए उसी से ये 16वें पारे सूरह कहफ 70 पर 5 नंबर आयत को अल्लाह ताला आगाज करते हुए कहता है, قال الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا, खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, तुम मेरे साथ रहने में सब्र नहीं कर सकोगे। قال موسى ने कहा ان سالتك عن شيء بعدها, अगर मैं इसके बाद कोई सवाल करूंगा, फला तुसाहिबनी, मुझे अपने साथ मत रखना, खत बलगत मिन लदुन्नी उजरा, मेरी जानिब से ये लास्ट उजुर तुम कबूल कर लो, आज के बाद अब कोई सा भी सवाल मैं नहीं करता। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, ये मूसा अलैहिस्सलाम का खिजर अलैहिस्सलाम के मुकालमे से ये पहला 16वां पारा आगाज होता। आगे अल्लाह तबारक व तआला कहता है, खालू या ज़ुल्करनैन, ऐ मेरे नबी, लोग आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं, आप बता दीजिए कि ज़ुल्करनैन के मुतालिक जो कुछ अल्लाह ने आपको सिखाया है। खालू या ज़ुल्करनैनी इन्न याजूज व मअजूज मुफ्सिदून फिल अर्द फहल नजअल लका खर्जा अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। ज़ुल्करनैन, ज़ुल्करनैन इनके बारे में बहुत सारे तफसीर के अंदर बातें हैं कि ये सिकंदर ज़ुल्करनैन आज़म थे, दुनिया का वो बादशाह जो दुनिया में हुकूमत किया, इस कोने से लेकर उस कोने तक सिकंदर आज़म ज़ुल्करनैन की बहुत बड़ी हुकूमत थी, ये वही थे। बास कहते ये वो नहीं थे, कोई और थे। इनके बारे में एक बात है, ज़ुल्करनैन खर्न बोलते हैं सींग को, खरनैन दो सींग, क्या दुनिया के 2 किनारों तक का सफ़र करे थे, इस किनारे से लेकर उस किनारे, और मक्के वाले भी ये चक सवाल करे वो कौन आदमी है जो दुनिया के इस किनारे से उस किनारे तक सफ़र किया, उसके बारे में हमें बताइए। अल्लाह के अल्लाह ताला ज़ुल्करनैन के बारे में नाजिल की आयत, वह यसअलूनका अन ज़ुल्करनैन, मेरे नबी ये आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं, आप इनको बताइए ज़ुल्करनैन के बारे में। ज़ुल्करनैन एक अल्लाह के नेक इंसान थे, वो कोई नबी नहीं थे, जैसे 21वें पारे में सूरह लुकमान में लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी बातें आएंगी, जो अपने बेटे को 10 नसीहतें करते, बड़ी जामे नसीहतें। लुकमान अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम कहा गया, लेकिन वो कोई अल्लाह के नबी नहीं थे, फिर भी अल्लाह के नेक इंसान थे।
ज़ुल्करनैन भी कोई नबी नहीं थे। मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है इस बात पर कि वो नबी नहीं थे, वो एक अल्लाह के नेक इंसान थे। जब ज़ुल्करनैन उस जगह पहुंचते हैं जहां सूरज डूब रहा था, तो वहां एक कौम को पाते हैं और उस कौम को अल्लाह के तौहीद और दीन की दावत का काम करते हैं। वो कौम के लोग कहते हैं खालू, उन्होंने कहा या ज़ुल्करनैन, ऐ ज़ुल्करनैन, इन याजूज व माजूज मुफ्सिदून फिल अर्ज, यहां याजू जो माजूज हैं, जो जमीन में फसाद फैलाए हुए, फहल न जाल का खर्जा अला अंत जाल बैना ना व बैना हम सद्दा, हम चंदा जमा करके आपको खर्चा लाकर देंगे, आप उनके हमारे दरमियान एक बड़ी दीवार खड़ा कर दीजिए। ज़ुल्करनैन से उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो ज़ुल्करनैन ने कहा आतूनी ज़ुबर अल हदीद, मेरे पास लोहे की तख्तियां लेकर आओ, लोहे की तख्तियां लेकर आओ। कौम वाले लोहे की तख्तियां लाए, दोनों दीवार के बीच में लोहे की बड़ी बड़ी तख्तियां रखकर बीच में सीसा पिघला कर डालकर एक बड़ी दीवार को खड़ा कर दिया गया, जिसे सद्दे ज़ुल्करनैन कहते हैं। अरबी में सद्द बोलती दीवार को, सद्दे ज़ुल्करनैन, ज़ुल्करनैन की बहुत बड़ी दीवार, उनके फितने से इनको बचा दिया गया। तब ये पूरी कौम वाले अल्लाह पर ईमान लेकर आए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, यहां याजूज और माजूज का जिक्र किया गया। याजूज और माजूज कौन है, इंशाल्लाह मैं किसी ताखरात में खयामत की 10 बड़ी निशानियों पर बयान करूंगा। ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में आने वाली कौम है। याजूज माजूज कौन है, ये इंसान है, ये कोई फरिश्ते, ये कोई जिन्नाता, ये कोई शैताना, ये कोई दूसरी नस्ल दूसरी कौम नहीं है, इंसान ही है। हज़रत नू अलैहिस्सलाम के बेटों में एक बेटा था हाम और एक बेटा था साम और एक बेटे का नाम है याफिस। याफिस इनका तीसरा बेटा, नू अलैहिस्सलाम का तीसरा बेटा है याफिस। याफिस की औलाद में से हैं ये याजूज माजूज, उनकी औलाद में से बड़ी कसीर तदाद होगी इनकी, इतनी कसीर तदाद दुनिया का कोई रॉकेट, दुनिया का कोई बम, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा गन इनको मुकाबला नहीं कर सकता। तंग आ जाएंगे दुनिया वाले, अल्लाह से दुआ कराएंगे ईसा अलैहिस्सलाम को बोल के, ईसा अलैहिस्सलाम नाक में दम करके रख डालिए, गिड्डे गिड्डे लोग, अल्लाह ताला इनके फितने से बचा ले, दुआ करो। ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को साथ लेके दुआ करेंगे, अल्लाह इनको हटा डाल, अल्लाह अल्लाह इनको ज़मीन से मिटा डाल, अल्लाह तब अल्लाह ताला इनको हटा देगा मिटाएगा, वो तफसील आप सुनेंगे। याजूज माजूज के फितने से ज़ुल्करनैन ने एक सद्दे ज़ुल्करनैन दीवार बनाकर खड़ा कर दी। आज साइंस साइंटिस्ट लोग कुरान की इस आयत को पढ़ने के बाद सवाल करती है इस्लाम से, मुसलमानों से, दुनिया की यहूद, दुनिया की नसारा, दुनिया के इस्लाम के दुश्मन एक सवाल रखते हैं मुसलमानों से, वो क्या है, तुम्हारे कुरान में लिखकर है कि ज़ुल्करनैन ने दुनिया के उस किनारे पर सफर किया जहां सूरज डूब रहा था और वहां वहां के कबीले वालों को याजूज माजूज सताने की वजह से ज़ुल्करनैन ने लोहे की तख्तियों में सीसा पिघला कर डालकर एक बड़ी ऊंची दीवार खड़ा करके उनके फितने को बंद कर दिए। आज दुनिया की साइंटिस्ट सुपर पावर ऑफ अमेरिका, अमेरिका जो सुपर पावर जिसे बोलते हैं, दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के कोने कोने में साइंटिस्ट लोग पहुंच गए। दुनिया का ऐसा कोई जजीरा नहीं, ऐसा कोई आयरलैंड नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां दुनिया के लोग अपना कैमरा लेकर नहीं गए, वहां शूटिंग नहीं किए, हर कोने में गए, हर जगह गए, दुनिया के इस कोने में से उस कोने तक पूरी चार जानिब चप्पा चप्पा छान मार लिए, हर जगह की शूटिंग ले लिए, यहां पानी कैसा, वहां समंदर कैसा, यहां पहाड़ कैसे, यहां जजीरा कैसा, वो पत्थर कैसा, यह दरख्त कैसा, हर जगह की दुनिया की पूरी सेटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया का ज्योग्राफिक उसका मैप लिया गया, उसकी फोटो खींची गई, उसकी पूरी तस्वीरें ली गई, वीडियो उतारा गया, लेकिन सद्दे ज़ुल्करनैन आज तक किसी को नहीं मिला। कहां है ये कहां है, जबकि कुरान में अल्लाह कहता है कि ज़ुल्करनैन ने उस दीवार के पीछे अल्लाह ताला कैद कर दिया, और नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस में बेशुमार हदीसें जिक्र किए हैं याजूज माजूज के बारे में। आज भी
याजूज ओमाजूज ज़ुल्करनैन की दीवार के पीछे अल्लाह ने उनको कैद कर रखा है। इतनी कसीर तादाद तुम गिन नहीं सकते, तुम शुमार नहीं कर सकते। पूरी दुनिया भर जाएगी याजूज ओमाजूज से, दुनिया की जमीन खाली नहीं बचेगी जब याजूज माजूज आएंगे, पूरी दुनिया भर जाएगी याजूज ओमाजूज से। इंसान बड़े बड़े इंसान आजीज आ जाएंगे उनके मुकाबला करने से, गारों में, खाइयों में, पहाड़ों में छुप जाएंगे लोग जाकर, पूरी दुनिया में भर जाएंगे याजूज माजूज। इतनी कसीर तादाद के लोग आज वो कौन सी दीवार के पीछे कैद हैं, और वो दीवार कहाँ है? पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में कैमरा लेके ज्योग्राफिक चैनल वाले, नेशनल चैनल वाले चले गए, आज तक वो दीवार नहीं मिली। क्या है इसका राज, इसका मतलब क्या मेरे भाइयों? इसका जवाब सिंपल आसान एक ये है, क्या है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खुदरत, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की खुदरत हम इंसानों को समझ में आने वाली नहीं है। हमारी अकल, हमारी सोच से बहुत बाला तर है अल्लाह की अजीम कुदरत। अल्लाह ताला अगर किसी चीज को खयामत तक पोशीदा रखना चाहे, करनूल के सर्कल में भी अल्लाह उसे रखना चाहे वो रखेगा, किसी की आंखों को नजर नहीं आएगा, किसी की आंखों को नजर नहीं आएगा। कुरान में सूरे लहब को अल्लाह ने नाजिल किया, तब्बत यदा अबी लहब। नबी अलैहिस्सलाम कोहे सफा पर खड़े होकर ऐलान करते, ए लोगों, ए मेरे खानदान के लोगों, क्या मुझे आज तक तुमने सच पाया या झूठा पाया? सारे मक्के वाले बोले अंता अमीन अंता सादिक, तू सबसे बड़ा सच्चा है, तू सबसे बड़ा अमानतदार है। सुनो आज भी मैं सच कह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, एक अल्लाह का ऐलान करो कामयाब हो जाओगे, ये बुतों की पूजा करना छोड़ दो। तब्बन लक या मोहम्मद अलिहाजा जमाता ना, अरे मोहम्मद तू बर्बाद हो जाए, क्या इसीलिए हमको यहां जमा किया? एतराज करने वाला नबी का चाचा अबू लहब। अबू लहब ने दो हाथ उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ किया और कहा तू बर्बाद हो जाए, दो हाथ उठाए, माफ करना ये नबी का चाचा नहीं है। इन्हें एतराज किया और बर्बादी का परवाना सुनाया, हाथ उठाया। अल्लाह क्या, अल्लाह के नबी फर्स्ट दावत है देरी सो। एतराज करने वाला अपना रिश्तेदार, जैसे एतराज किया नबी का दिल अपसेट हो गया, क्या भाई एतराज करया तो भी अपना चेतराज करया ना। अल्लाह सूरे लहब नाजिल करया, तब्बत यदा अबी लहब वतब, ऐ मेरे नबी तुम्हें क्या चीज बर्बाद होंगे? अबू लहब के दो हाथ बर्बाद हो गए, तब्बत यदा, अबू लहब के वो दो हाथ बर्बाद हो गए जो हाथा उन्हें उठा को तुमने बोलिया। इतना ही नहीं, सयसला नारन जाता लहब, भड़कती हुई अंगार में जाएगा अबू लहब। जब ये आयतें उतरी और अल्लाह ने कहा वम्रातु हम्मालतल हतब, उसकी वो जोरू भी जहन्नम में जाएगी जो बांझ की बूटी हुई रस्सी अपनी चोटी से बांध कर फिरती है। अबू लहब की नौ जोरुआ, अल्लाह ने कहता कि उसकी बीवी भी जाएगी, कौन सी बीवी जाएगी? नौ जोरुआ में कौन सी जोरू जाएगी? अल्लाह ने कहा बांझ की बूटी हुई रस्सी को चोटी से बांध के घूमने वाली वो जोरू भी जाएगी जहन्नम में। उसकी वो जोरू का नाम था उम्मे जमील। जब उसे मालूम हुआ मेरे मर्द के खिलाफ सूरत नाजिल हुई, अपने गोद में फत्तराम भर ली उसने और सीधा काबतुल्लाह को आई। काबतुल्लाह में नबी आराम कर रहे हैं, नबी के बाजू अबू बकर सिद्दीक हैं। अबू बकर सिद्दीक को आको बोलती उम्मे जमील, अरे अबू बकर तेरा वो दोस्त कहाँ है? असर के बाद का टाइम है, नबी आराम कर रहे हैं धूप के साये में काबतुल्लाह के किनारे। अबू बकर सिद्दीक के पास नबी अलैहिस्सलाम आराम कर रहे, नबी अलैहिस्सलाम बाजू हैं, अबू बकर बाजू बैठी, उम्मे जमीला को पूछ रही, अरे अबू बकर तेरा वो दोस्त कहाँ है? मोहम्मद, मैंने सुना उस पर कोई सूरा नाजिल हुआ और वो कहता है मेरा शोहर अबू लहब भड़कती हुई जहन्नम में जाएगा और उसकी जोरू भी जहन्नम में जाएंगी, बता तेरा साथी कहाँ है? मोहम्मद, मेरे गोदा में कितने पत्थर हैं, मार मार के उसका सर फोड़ दूंगी। क्या उसकी इतनी मजाल उन्हें हमारे बारे में ऐसा बोलता? अबू बकर सिद्दीक परेशान, उन्होंने बोले अरे अल्लाह के नबी इन्हें आपके बारे में पूछ रही और आप मेरे बाजू बैठी, आप मेरे बाजू बैठी, आपके बारे में पूछ रही इन्हें। अल्लाह के नबी बोले अबू बकर इस वक्त उम्मे जमील पूरी दुनिया देख सकती, सबको देख सकती, मुझे नहीं देख सकती। अल्लाह ताला उम्मे जमील की आंखों से मुझे ओझल बना दिया, मुझे ओझल बना दिया, मुझे नहीं देख सकती।
पहली दलील। दूसरी दलील, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खतल करने की साजिश है। अबू जहल क्या प्लान करया, हर खानदान कबीले का एक चोर, एक बड़ा खातिल ले ले, नबी के घर से तहज्जुद के टाइम जब नबी निकलेंगे, सारे लोग मिलकर एक साथ नबी पर अटैक करना, मर्डर कर डालना। नबी के मर्डर सारे कबीले में तकसीम होगा, नबी के घर आने वाले किससे किससे बदला लेंगे। अच्छी बात, सारे लोग नबी के घर पर अटैक करने खड़ी। रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बताता, तुम्हारे कत्ल की साजिश में पूरे दुश्मन बाहर खड़ी, तुम्हें क्या करना, ये जितने भी अमानता हैं तुम्हारे बिस्तर पर अली को सुलाना और अमानता सौंप डालना। ये अमानत उसकी उसे दे डालो, ये अमानत इसकी इसे दे डालो, और आप सूरह यासीन पढ़ते हुए हाथ में मट्ठी ले को ये पूरे दुश्मनों के मुंह पर डालने को निकल जाना। हमारे नबी बाहर निकले, दरवाजा खोले, सूरह यासीन पढ़ते हुए बाहर निकले, हाथ में मट्ठी ले को सबके मुंह पर डालने गए। उन्हों एक दूसरे को देख रहे थे, अपने हथियार उनको दिख रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आ रहे थे। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत, जिसे अल्लाह आंखों से पोशीदा रखना चाहता, दुनिया हमारे आंखों के सामने रहे तो भी नहीं देख सकती। ये अल्लाह के कुदरती मशीयतों में से एक मशीयत है। याजूज माजूज आज दुनिया में कहां है, सद्दे ज़ुल्करनैन कहां है, दुनिया के कौन से कोने में अल्लाह उनको महफूज रखा, ये अल्लाह की कुदरत का मामला है। पूरी दुनिया कैमरा लेको तलाशी तो क्या, अल्लाह जिसे छपाना चाहता हमारे आंखों के सामने, हमारी बस्ती में छपाता, हमें नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं वो नहीं दिख रहा ना, ये गलत है, नामुमकिन, नामुमकिन। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं सद्दे ज़ुल्करनैन को याजूज माजूज रोजाना चाट रही है, चाटते चाटते जिस चीज को याजूज माजूज चाटती घट जाती वो चीज, तेजाब के जैसा लुआब इनके जबान में रखा अल्लाह, जिसे चाटती पिघल जाती वो चीज, इतनी मोटी दीवार पिघला 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 को यत्ता सुराख कर ले। हमारे नबी अपनी शहादत की उंगली अंगूठे से मिलाकर ऐसा इशारा करके बताए, मुस्लिम शरीफ की हदीस, ऐसा इशारा करके बताए, बोले मेरे सहाबा याजूज माजूज ने इतना सुराख तैयार कर लिया है। इतना सुराख कब, रोजाना शाम में तैयार करती उन्होंने इतना सुराख, डेली इवनिंग इतना सुराख रेडी हो जाता उनका, सुबह से चाटले खड़ दी इनो, दीवार पूरी घर जाती इतना सुराख, यूं देखती पिक्चर, हाँ दिख रही है दुनिया। एक काम करेंगे, सबा आको ये सुराख को बढ़ा कर को, होल बढ़ा कर को, इसमें से पुदक पुदक को, कूद कूद को दुनिया में जाको, आराम से मारेंगे रे सब जने को, खतल करेंगे रे, चलो चलो जेंगे, सबा आको चाटेंगे। ऐसा बोलते इंशाल्लाह नहीं बोलते, वो इंशाल्लाह नहीं बोलने की वजह से यत्ता सुराख तक फिर यत्ता मोटा हो दीवार क्यों क्यों खट जाए, इन्हों भूल जाती ये चीज के किले दीवार को फिर चाटना शुरू कर दी, वो भूल जाती हमें यत्ता रड़ी करे थे ना, फिर यत्ता मोटा कैसा हुआ सुबह तक का, भूल जाए। जैसा इंशाल्लाह भूलती हमें कल यत्ता चाटे थे वो भी भूल जाए, ए दीवार है ना चलो चाटेंगे, फिर शाम तक इतनी रड़ी, फिर सुराख देखते हाँ यत्ता हो गया, सबा आंखों बड़ा कर ले को गएंगे। खयामत के करीब जब अल्लाह ताला याजूज माजूज को दुनिया में लाना चाहेगा, इनके सरदार को याद दिलेगा, इनका सरदार बोलेगा इंशाल्लाह कल हम आकर चाट कर इस सुराख को बड़ा करके जाएंगे। जब इंशाल्लाह बोल को वापस लौटेंगे दूसरे दिन आग देखे तो कितने का वत्ता छता सुराख, उसे चाट को बड़ा कर को पुदक ले आती, जब इन्हों आना चाहती, जब अल्लाह इनको लाना चाहते, अब उन्हों कहाँ है वो दीवार कहाँ है उन्हों का है वो अल्लाह को मालूम, अल्लाह को मालूम। हम मोमिनों का काम क्या, कुरान की हर आयत सच्ची, हदीस रसूल की हर सही बात सच्ची, वो कैसा क्या क्यों किधर कैसा उसका इल्म अल्लाह के पास, हमारे पास नहीं। उसके बाद आगे अल्लाह ताला कहता है उलाइकल्लज़ीन कफरू बिआयाति रब्बिहिम वलिक़ाइहि فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا। जो लोग अल्लाह के साथ कुफर करते हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला से मुलाकात को यकीन नहीं रखते, अल्लाह ताला है, अल्लाह से मुलाकात भी करना है, कयामत के दिन हिसाब किताब भी देना है, जो लोग
अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, हमारी आयतों को यकीन नहीं रखते। जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह की मुलाकात का, इस्लाम का, इस्लाम की हर बातों का, अल्लाह कहता फहबितत अमालुहुम, इनके नाम आमाल नेकियों को सत्यानाश करके रख देंगे हम, बर्बाद करके रख देंगे। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, जब क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में मीज़ान इलाहिया में नेकियां बदियां तोली जाएंगी, इनकी नेकियां जर्रा बराबर वजन नहीं रहेंगे। किनको बोल रहा अल्लाह? बिदातियों को बोल रहा। किनको बोल रहा? मुशरिकों को बोल रहा। आज कोसी तो हदीस ला को पेश करे, हमारे इमामा ऐसा नहीं करे जी, वो हदीस बुखारी की रंगा हमें नहीं सुनते। अरे बुखारी में है जी, आमीन जोर से बोलो। बुखारी में है जी, रफल देन करके नमाज पढ़ो। बुखारी में है जी, खदमा से खदम लगाओ, खंदे से खंदा। हमारे इमामा नहीं करे, हमें पहले मुखल्लिदा, हमारे इमामा वो नहीं करे हमारे सामने वो हदीसा पेश करो, हमें पहले मुखल्लिदा बाद में हदीसा, पहले मुखल्लिदा। हदीस रसूल को इमामों की बात पर तरजीह देने वाले, इमामों की बात को तरजीह देकर हदीस रसूल को इनकार करने, अल्लाह क्या बोल रहा? कि जो लोग उलाई कल्लज़ीना कफरू बी आयात रब्बिहिम, अल्लाह की आयतों को इनकार करने वाले, हदीस रसूल को छोड़ने वाले, हमारे बाबा नहीं करे जी, वो अल्लाह के नबी क्या बोले बोलनों को हम ना, हमारे बाबा नहीं करे हमें नहीं करते, हो गई बात। हमारे बाबा कर ले कारी, हमें वही सच करने का, हमारे दादा कर ले, हमें वही सच करने का। जो लोग अल्लाह के आयतों का इनकार करते हैं, हदीस रसूल का इनकार करते हैं, अल्लाह क्या बोल रहा? तू क्या ते भी नेकियां कर ले, तेरी नेकियां को सत्यानाश करके रख डालता अल्लाह। अल्लाह की आयत को नहीं मानता, नबी की हदीस को नहीं मानता, अरे क्या भी कर ले सत्यानाश कर डालता अल्लाह तेरा, और कयामत के दिन तोले जाने में रत्ती बराबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, दुनिया का मोटे से मोटा इंसान कयामत के दिन जब लाया जाएगा, काफिर रहेगा, बिदाती रहेगा, अल्लाह अज़्ज़वजल इसके अल्लाह के सामने उसकी हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं रहेंगे, मक्खी के पर के बराबर भी नहीं रहेंगे, उसकी हैसियत, उसका तोल, उसका वजन रत्ती रत्ती बराबर भी नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन काला सुबहानल्लाह वमन काला अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, जिसने अल्लाह को राजी करने एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहा, क़यामत के दिन तुम्हारी नेकियों के तराजू को अल्लाह भारी करके रख देगा। कलिमतान हबीबतान इला रहमान, दो कलमे मेरे रब को बेइंतहा पसंद है, खफीफतान अलल लिसान, जबान पर अदा करने में बड़े हल्के हैं, व सकीलतान फिल मीज़ान, क़यामत के दिन तराजू में तोले जाने में बड़े भारी हैं। सुभानअल्लाही व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, वो दो कलमे सुभानअल्लाही व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम हैं, अदा करने में आसान, तराजू में तोले जाने में बड़े भारी। अरे ऐसे नेकियां करके जाओ, क़यामत के दिन अल्लाह खुश होकर कहे तेरी नेकियां भारी हो गई ना मेरे बंदे, मैं खुश हो गया तुझसे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी बयान फरमाते, मा मिन शयइन असखलु फिल मीज़ान यौमुल क़ियामा, दो चीजें ऐसी हैं जो कयामत के दिन अल्लाह की तराजू में रखकर तोले जाने में सबसे ज्यादा भारी भरकम होंगे, वो दो चीजें कौन सी? अत्तख्वल्लाह, अल्लाह का डर, व हुस्नुल खुल्क, अच्छे अखलाक। इंसान के अच्छे अखलाक और अल्लाह का डर, ये दो चीजें कयामत के दिन तोले जाने वाली चीजों में सबसे ज्यादा भारी रहेंगे। लेकिन उन लोगों के अमल कोई वजन नहीं रहेंगे जो अल्लाह के आयतों का इनकार करते हैं, हदीस रसूल का इनकार करते हैं। कुरान और हदीस आने के बाद भी हमारे बाबा नहीं करे, हमारे दादा नहीं करे, हमारे पीरा नहीं करे, हमारे इमामा ऐसा बोली, हमारे मुफ्ती ऐसा बोली, अपने बुजुर्गों के, अपने मुफ्तियों के, अपने इमामों के बातों को लेकर कुरान हदीस को ठकराने वालों को अल्लाह बोलता नेकियां बर्बाद, कयामत के दिन कोई हिसाब तुम्हारा वजन नहीं रहेगा। अल्लाह सबको सिरात मुस्तकीम की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह ताला कहता, इन्नल लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहाती कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला,
जो लोग ईमान लाए, अमले सौले किए, इनके लिए अल्लाह तबारक व ताला जन्नतुल फिरदौस में मेहमान नवाजी तैयार करके रखा है। जन्नतुल फिरदौस कैसी जन्नत? बड़ी बेहतरीन जन्नत, बड़े ऊंचे दर्जे की जन्नत। हमारे नबी कहते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, जब भी अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो। क्यों? इसलिए कि जन्नतुल फिरदौस की जो छत है वो रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस ये वो जन्नत जहां से दूध की नदियां, शरबतों की नदियां और शहद की नदियां तमाम जन्नतों को ट्रांसफर होंगी, यहां से निकलेंगी। बड़ी उम्दा जन्नत। जब भी अल्लाह से मांगो तो उस जन्नत के बारे में मांगो। और आगे अल्लाह तबारक व तआला कहता है सूर्य मरियम, सूर्य मरियम ये मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर मौसूम है, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम अलैहिस्सलाम। जैसा कि मैं सूर्य आले इमरान में भी बताया था, आले इमरान बोले तो मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद, ईसा अलैहिस्सलाम के नाना। कैसे अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलाम को हमल टिकाया, कैसे उन्होंने बच्चा पैदा हुआ, कैसे उन्होंने गोद में बात करे, वही तज़किरा सूर्य मरियम में भी अल्लाह जिक्र करया, सूर्य मरियम में भी जिक्र करया। ये वो सूरा है जिसे नजाशी बादशाह के सामने जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पढ़कर सुनाए, रो पड़ा बादशाह, ईमान लेकर आ गया। ईसाई था, अहले किताब में से था, लेकिन फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया बादशाह। यही वो सूरा। सूर्य मरियम के अंदर अल्लाह ताला बड़ी बेहतरीन बातें रखा है। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिगुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया। ऐ ज़करिया, हम तुझे एक बेटे की खुशखबरी देते हैं और हमने इससे पहले ऐसा नाम किसी का नहीं रखा, यहया, तू उसका नाम यहया रखना, उसे भी नबी बनाएंगे। मरियम अलैहिस्सलाम वज़कुर फिल किताब मरियम इज़न बज़त मिन अहलिहा मकानन शरकिया। मरियम के बारे में पढ़कर देखो किस तरह से वो आजमाइशों से गुजरी। जब बच्चा पैदा हो गया, कौम आले आकर सवाल करे, फाशारत इलैही, बच्चे के जानिब इशारा करती है, खालू, कौम आले कहते हैं, कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, गोद गवारे में रहने वाले, झूले में रहने वाले, गोद में रहने वाले मासूम बच्चे से हम कैसे बात करें। लेकिन बात करने वाले ईसा अलैहि सलाम मां के गोद में बात करते कहते हैं, कौला इन्नी अब्दुल्लाही व आतानी अल किताब व जालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह मुझे किताब देगा, अल्लाह ताला मुझे नबी बनाएगा। अल्लाह के मौजजात में से एक मौजजा जो ईसा अलैहि सलाम ने बात किया। और मैं आपको बताया था जन्नत में फिरौन की बेटी की नौकरानी जिसका नाम मशाता है, उसके बच्चे ने भी बात किया था, जिसे अल्लामा अल्बानी ने सही तखरीज करके अलमौजमुल इत्तिबरानी अलमौजमुस सगीर की रिवायत है ये। जब जन्नत की सैर करते हुए अल्लाह तबारक व ताला के नबी अलैहिस्सलाम एक वादी के पास पहुँचे, उस वादी से अजीब खुशबुएँ आ रही थी। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये खुशबू कैसी? कहा गया, ये फिरौन की बेटी की नौकरानी मशाता, उसके बच्चों की खुशबू। क्या मामला? जब कंघी करते करते नीचे गिरी, बिस्मिल्लाह बोलकर उसने उठाया, तो फिरौन की बेटी ने पूछा, अल्लाह का नाम क्यों लेती है? मेरा बाप ना अल्लाह, नहीं, मूसा और हारून का रब अल्लाह, मैं शिकायत करूँगी, मेरा बाप मार देगा। ठीक है, शिकायत कर ले, जाकर शिकायत करी। फिरौन ने कहा, मशाता मुझे खराब मान ले वरना इबरतनाक मौत दूंगा तुझे, तो जो करना है कर ले, मैं तुझे अल्लाह नहीं कहूँगी। बड़ी देग लगाया, उसमें तेल डाला, पकते हुए तेल में चार बच्चे थे मशाता के, माँ के आंखों के सामने एक एक बच्चे को पकते हुए तेल में डालता गया, बड़ा बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा। अरे, माँ के पीठ के पीछे जले तो माँ बर्दाश्त नहीं करती, माँ के आंखों के सामने पकते हुए तेल में बच्चों को डाले तो क्या बीत सकती? ना मैं उस दर्द को बयान कर सकती हूँ, ना आप उसे फीलिंग कर सकते, क्या बीती होंगी माँ पर। वो माँ कहती है, अरे ज़ालिम फिरौन, मेरे बच्चों की हड्डियाँ एक बोरिया में रखकर एक कब्र में दफन करना, ताकि अल्लाह ताला कयामत के दिन एक साथ हमें जगा सके। ठीक है, वैसे ही करूँगा। जब बारी आई दूध पीते बच्चे की, डालने की, बच्चे को लेकर रो पड़ी,
मशाता, अल्लाह उस बच्चे को जबान दिया, वो बच्चा कहता है या उम्मा ऐ मेरी माँ इख्तहिमी कूद जा فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ اے میری ماں یہ دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں فَاخْتَحِمَتْ أُمَّكَ اس کی ماں نے کود پڑا اور اللہ عز و جل جبرائیل علیہ السلام جنت میں یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں میرے نبی جیسے ہی مشاتا اپنے بچے کو لے کر آگ میں کود پڑی اللہ اسی لمحے مشاتا اور اس کے بچوں کے روحوں کو یہاں جنت میں جگہ دے دیا یہاں پہنچا دی یہ اسی کی خوشبو ہے جو آپ محسوس کر رہے ہیں میرے دینی اور اسلامی بھائیوں ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے انسان کی جان کی بازی بھی لگانا پڑے وہ جان کی بازی لگا دے لیکن اللہ کی توحید اور وحدانیت میں کفر نہ کرے شرک نہ کرے جان کتنی بڑی چیز جی جان کتنی بڑی چیز جب عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم کا بادشاہ عیسائی بادشاہ ایسے ہی آگ کی دیگ میں ڈالنے کے لیے کہا تھا حضرت عبداللہ بن حذافہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے بولے تھے میری ایک جان کیا ایسے 100 جان بھی اللہ میرے جسم میں دیتا وہ 100 کے 100 جان اس آگ کی دیگ میں ڈال دیتا ایک بھی جان تیرے واسطے اٹھا کو نہیں رکھتا بادشاہ کیا آفر دیا میری بیٹی سے نکاح کر کے میرا داماد بن جا آدھی سلطنت دے دوں گا میرے بعد تجھے اس گدی کا تخت نشی بناؤں گا اور میری سلطنت کا والی وارث بناؤں گا عبداللہ بن حذافہ نوجوان صحابی کیا بولے مبارک تیری سلطنت تجھے تیری بیٹی تجھے مبارک تیری حکومت تیری مبارک تیری دولت تجھے مبارک میرا ایمان میرے ساتھ سلامت جان دے دوں گا ایمان نہیں چھوڑوں گا بولے عبداللہ بن حذافہ جب ان کو آگ کی دیگ میں ڈالنے قریب لایا گیا آنکھوں سے آنسوں جھڑے بادشاہ دیکھ کر سمجھا اب پگل گیا ہوں گا لے کر آئی اسے عبداللہ بن حذافہ سے پوچھا اے عبداللہ کیا میرے آفر کو تسلیم کر لیا بادشاہ عیسائی بادشاہ سے روم کے بادشاہ سے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ظالم سن لے میری آنکھوں کے آنسو جان سے گھبرا کر ڈر کر نہیں نکلے بلکہ اس وجہ سے نکلے اتنے بڑے جسم میں اللہ ایک جان رکھا اگر قسم اللہ کی اس جان میں اس جسم میں 100 جانا بھی اللہ رکھتا یہ 100 کے 100 جانا اس پکتے ہوئے دیگ میں ڈال کر اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ایک جان تیرے واسطے اٹھا کو نہیں رکھتا یہ جواب سن کر بادشاہ گھٹنوں کے بل نیچے بڑھ گیا گھٹنوں کے بل بڑھ گیا بولیا عبداللہ تیرے ایمان کے سامنے میں ہار گیا میں ہار گیا میری آخری ایک تمنا پوری کر دے میرے پیشانی کو ایک بوسا دے دے نہ صرف تجھے تیرے تمام صحابہ ساتھیوں کو میں آزاد کر دوں گا عبداللہ بن حذافہ اس عیسائی بادشاہ کے پیشانی کو بوسا دیے سارے صحابہ کو آزاد کرا کے مدینہ لے کر آئے جب یہ واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کو سنایا گیا حضرت عمر بن خطاب اتنے خوش ہوئے بولے ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کا بوسا دیں سب سے پہلے میں بوسا دے تو بول کر عمر بن خطاب بوسا دی اسے بولتی ایمان پر ثابت قدم رہنا آج ہے کہ ہمارے پاس ایسا ایمان ہمارے پاس ایسا ایمان کا ہے جی الیکشن آئے انہیں ایم ایل اے ایک نوٹ دے تو رشوت کی نوٹ منجے ووٹ ڈالو گے تو ہماری ضمیر کو بیچ کو کھانے والے نالائق ہم ایک نمبر کے خالی ایک نوٹ کے واسطے ایک ووٹ کے واسطے نوٹ ڈالنے کو ضمیر بیچنے والے ہمیں اللہ بولتا کروڑوں کی خزانہ آیا تو بھی تمہاری ایمان کا سودا نہیں کرنا ویسا ایمان پر ثابت قدم رہنا اسے بولتی ایمان اللہ آزمانے کو ایسے الیکشن لاتا سو آزمانے کو ایسے الیکشن لاتا سو رشوتان دے کو دکھاتا سو انہیں 1000 دیا تو انہیں 2000 دیتا انہیں 2000 دیا انہیں 4000 دیتا لیکن تمہارے سامنے 10,000 کیا 10,00,000 آئے تو بھی ایمان کا سودا نکو کرو اللہ عز و جل تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ایمان مضبوط رکھو اسے بولتی ایمان پر ثابت قدم رہنا جان چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے اسے بولتی ایمان اسے بولتی توحید اسے بولتی اللہ رب العالمین پر استقامت سے ٹک کر رہنے والا دین وہ سکھا کر گئے ہمارے اسلاف خیر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وَنَرِسُهُ مَا يَقُولُ وَيَعْتِينَا فَرْدًا ہم اس کے وارث ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو تنے تنہا آئیں گے سورہ مریم آیت نمبر 80
अमर बिन आस, बुखारी मुस्लिम की हदीस में इस आयत का एक शान नुजूल है। अमर बिन आस, अमर बिन आस के अब्बा आस बिन वाइल एक नंबर के काफिर, इन्होंने खब्बाब बिन अर्थ रजी अल्लाह तआला अन्हु को पैसे देना था। खब्बाब बिन अर्थ पैसे पूछे, आस बिन वाइल मेरा खर्जा दीजिए, मेरे पैसे दीजिए, मैं जो तुमने उधार दिया था लो मेरे पैसे। ए देता नहीं जा, क्या करता, देता नहीं कर, देता नहीं। बोले कि अगर तुम मोहम्मद के साथ कुफ्र करोगे, मोहम्मद को गाली दोगे, मोहम्मद के दीन को छोड़ोगे, तब तुम्हारा खर्जा दे तो नहीं देता। खब्बाब बिन अर्थ बोले, मैं मर को दोबारा जिंदा हुआ तो भी अल्लाह के दीन के साथ कुफ्र नहीं करता, मर्या तो भी, मर को दोबारा अल्लाह जिंदगी दिया तो भी ईमान के साथ कुफ्र नहीं करता, नबी के शान में गुस्ताखी नहीं करता। तो इन्हें क्या बोला, ठीक है मर को दोबारा जिंदा हुआ तो तब मेरे पास पैसे ले ले, अब नहीं देता, यह जन्नत में नहीं देता। अल्लाह ताला यह आयत नाजिल करया। वास बिन वाइल क्या बोलता था कि जब मैं मरकर दोबारा जिंदा होऊंगा, दौलता खजाने लेकर कयामत में आऊंगा, तब ले लेना। अल्लाह ने कहा वह नरिसुहु मा यकूलु वह यातीन फरदा। ये लोग कहते हैं हम जब मरकर दोबारा जिंदा होंगे, हमारी आल औलाद, हमारी दौलत, हमारे खजाने, दुनिया का लेकर इनको बोलो तने तनहा आएंगे, ना कोई दौलत रहेंगी, ना जिसम वो कपड़े रहेंगे, नंगे आएंगे, तने तनहा आएंगे, कोई दौलत नहीं लाएंगे, किसी को कोई चीज नहीं बचाएगी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के सामने, अल्लाह उठाकर डालेगा जहन्नम में, इनको ना दौलत बचाएंगी, ना इनको औलाद बचाएंगी, कुछ भी नहीं बचाएंगे। अल्लाह ताला कहता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती सयजअल लहुमुर रहमान व उद्दा। 90 पर 6 नंबर आयत सूरह मरियम, जो लोग ईमान लाए, अमल सालिह किए, अल्लाह ताला अनखरीब इनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा, मोमिनों के दिलों में मोहब्बत पैदा करेगा। इतनी प्यारी आयत है। आपको इस आयत के ज़िम्न में बुखारी मुस्लिम की एक बेहतरीन हदीस सुनाता हूँ। करनूल के मेरे भाइयों, मेरी आवाज़ सुनने वाली मेरी प्यारी बहनों, गौर से सुनना यह हदीस, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है, तुम्हारी जिंदगी की सबसे इबरतनाक हदीस है। तुम्हारी जिंदगी में दो हालात रहती हैं, तुम्हारी दो हालात रहती हैं, या तो तुम्हें अच्छी हालत में रहती, खाते पीते खुश सेहतमंद तंदुरुस्त, हर जगह तुम्हारी इज्जत, ऐसी हालत रहती, या नहीं तो हद से ज़्यादा ख़राब हालत रहती तुम्हारी, हर कोई तुमना बुरा भला बोलते रहता, तुम्हें क्या कमाई तो भी तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं लगते रहते, खाने खाने के लाले पड़ते रहती, फाखा कर चर्चा रहते रहती, जमात वाले में, गाँव वाले में, महल्ले वाले में हर कोई थू थू करते रहता तुमना, जिल्लत क्या जिल्लत के दिन, फाखा क्या फाके के दिन, हर जगह से तंगी के दिन, या तो ऐसा या तो वैसा, या तो अच्छे दिन या तो बुरे दिन। अल्लाह अज़्ज़ व जल बुखारी मुस्लिम की हदीस में कहता है बंदों में किसी बंदे के अमल से अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू करता है। जब भी किसी बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल अमीन को बुलाता है, कहता है ए जिब्राइल मैं इस बंदे से मोहब्बत कर रहा हूं, चुनांचे तुम भी इससे मोहब्बत करो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करना शुरू करते हैं और आसमानी दुनिया वालों को पुकार के कहते हैं ओ आसमानी दुनिया वालों सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फला बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया मैं भी उससे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है तुम भी उससे मोहब्बत करो, आसमानी दुनिया वाले उससे मोहब्बत कर। तो होता क्या, अल्लाह ताला मोमिनों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता, सारे दुनिया वालों के दिलों में उसकी उल्फत मोहब्बत इज्जत अल्लाह डाल देता। अब वो इंसान जहां भी जाएगा लोग वाह वाह करेंगे उसकी, जो भी कमाएगा दुनिया की बरकत ही बरकत देखेगा, जमात में गया तो जमात में इज्जत, खानदान में गया खानदान में इज्जत, गांव में गया गांव में इज्जत, महल्ले में आया महल्ले में इज्जत, उन्हें जो कमाया दुनिया की बरकत। ऐसी हालत में इंसान को अपने पैर नहीं पिसलना चाहिए, बल्कि अच्छे उरूज के हालतों में
दुनिया की तरक्कियों की हालतों में, अच्छा कमाने की हालत में, नेमतें देखने की हालत में, इज्जत तरक्की मंजिल शोहरत, ऐसे हालत में अल्लाह का शुक्रिया अदा करके क्या बोलना, अल्लाह तेरी जात मेरे से मोहब्बत कर रही जिसकी वजह से ये सारी दुनिया वाले मुझे इज्जत दे रही, मोहब्बत दे रही, अल्लाह मैं इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह, ऐसा बोलना उन्हें। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं दुनिया में अमल करने वालों में कोई बंदा ऐसा काम करता है जिस काम से मेरा अल्लाह ताला नफरत करने लगता, अल्लाह की निगाह में गिर जाता उन्हें, वैसा घटिया काम करता अल्लाह क्या करता, उस इंसान से नफरत करता, वो अब गज़हुल्लाह अल्लाह उससे गजब करता और जिब्राइल को बुला को बोलता है जिब्राइल तुम भी इससे नफरत करो मैं भी इससे नफरत करता हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानी दुनिया वालों से कहते हैं ओ आसमानी दुनिया वालों अल्लाह ताला फला से नफरत करता है मैं भी नफरत करता हूं, सारे आसमान वाले उससे नफरत करें, आसमान वाले उससे नफरत कर। फिर होता क्या, जमीन वालों के दिलों में उसके खिलाफ अल्लाह नफरत बिठा देता, उन्हें जहां जाता लोग उसे थू थू करते, ना गांव में इज्जत, ना जमात में इज्जत, ना महल्ले में इज्जत, ना घर में इज्जत, उसकी जिंदगी मौत से बदतर हो जाती। ऐसी हालत में इंसान को क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने आमाल का मुहासबा करना चाहिए, या अल्लाह मैं तेरी नजर में गिर गया हूं जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया वाले मुझे गिरा डाली, मैं ऐसे क्या गलती करा कि अल्लाह तू मुझे माफ कर, अल्लाह अल्लाह तू मुझे माफ कर डाल, मैं क्या कमाया तो भी मेरी कमाई में बरकत नहीं, मेरे खानदान वाले मुझे जमा शेर रहनी, मेरे जमात वाले मुझे शेर रहनी, अरे अल्लाह मेरी जिंदगी तंग आ गई अल्लाह, अरे अल्लाह मैं खुदकुशी तो नहीं करूंगा, तेरे से माफी मांगूंगा, शायद तू मेरे से नाराज है जिसकी वजह से पूरी दुनिया मेरे से नफरत कर रही। ऐसी हालत में तौबा इस्तगफार करना, अल्लाह से अपने आप को रुजू करना, क्या गुनाह कर रहा, क्या मैं ऐसी गलती कर रहा, अपने आमाल का मुहासबा करना, अपनी गलतियों की इस्लाह करना। यह है वो हदीस जिससे अल्लाह मोहब्बत करता, जिससे अल्लाह नफरत करता, बड़ी इबरतनाक हदीस, हर इंसान की जिंदगी में यह हदीस फिट कर को देखना, शायद अल्लाह मोहब्बत कर रहा है जिसकी वजह से ये इज्जत ये बरकत में देख, शायद अल्लाह नफरत कर रहा है जिसकी वजह से सारी दुनिया वाले मेरे से नफरत, ये सोच को देखना। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है सूरह ताहा है, सूरह ताहा अल्लाह के राजों में से एक राज, तफसीर सनाई में ये बात जिक्र है, कुरान जन्नत में लोग सूरह ताहा पढ़ेंगे और सूरह यासीन पढ़ेंगे, सूरह ताहा पढ़ेंगे, बाकी कुरान उठा लिया जाएगा। सूरह ताहा ये वो सूरा है जब हजरत उमर बिन खत्ताब के सामने उनकी बहन ने पढ़कर सुनाया था तो ईमान लेकर आए थे उमर बिन खत्ताब, यही वो सूरा है सूरह ताहा। सूरह ताहा में अल्लाह तबारक व ताला बड़ी बेहतरीन आयतें रखा, मूसा अलैहि सलातो सलाम और हारून अलैहि सलाम वो कहते हैं खाला यबन उम्म ला ताखुज़ बिलिहयती वला बिरासिक, ऐ मेरे माँ के बेटे, ऐ मेरे माँ के बेटे मेरी दाढ़ी मत पकड़, मेरे सर के बाल मत पकड़, मुझे मालूम था तुम मुझसे बात पुरुष करोगे, मेरी गलती नहीं, मैं कौम वाले को बोलिया इन्होंने नहीं माने। सामिरी एक जादूगर था, एक गाय के बछड़े को बनाया, जादू की मट्टी फूक को उसके पेट में डाला, गाय की असली आवाज बछड़ा जैसा निकालता वैसी आवाज उस गाय से आती थी, लोग गाय के बछड़े की पूजा करना शुरू करे। मूसा अलैहि सलाम जब वापस लौटे कोहे तूर से, अपने भाई को आंखों पकड़े, हारून अलैहि सलाम मैं क्या बोल को गया था, क्या करया तू, दाढ़ी पकड़े, अरे मेरे माँ के बेटे, अरे मेरे भाई मेरी दाढ़ी मत पकड़, अंबिया दाढ़ी वाले थे जी, दाढ़ी अल्लाह दाढ़ी का जिक्र कर रहा है इसमें। सामिरी जो गाय में जादू पढ़ के फूका था, लोग गाय की पूजा शुरू कर दिले थे, अल्लाह तबारक व तआला इनके शिर्क की वजह से इनको दुनिया से सत्यानाश कर दिया। आज भी लोग गाय की पूजा करते हैं, तोते की पूजा करते हैं, गधे की पूजा करते हैं, कई को हमारे पीरांग के घर में उठ को बैठा था इन्हें, इसके वास्ते हमें इसकी भी इज्जत कर, अरे वो ब्राह्मण लोग गाय का पेशाब पकड़ पीती, गोबर से नहाती, उनके हमारे बीच में फर्क क्या रहा,
जानवरों की पूजा मत करो, किसी भी जानदार की पूजा मत करो, किसी भी दरख्तों की पूजा मत करो, किसी भी बुतों के सामने सर ना झुकाओ। अल्लाह ही है जो सजदे के लायक है, जो इबादत के लायक है। अल्लाह तबारक व ताला इसमें सूरह ताहा में और भी एक आखिरी आयत है, वला तमुद्दन अयनाका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजन मिनहुम ज़ुहरत अल हयात अद्दुनिया। अल्लाह कहता है सूरह ताहा की 131 नंबर आयत, 131 नंबर आयत, अल्लाह कहता है तुम अपनी निगाहें ऐसे लोगों की जानिब ना किया करो जिनने जिनको हमने दुनिया के जेब व जीनतें दे के रखे हैं, हम उनको आजमाने के लिए दिए हैं। अल्लाह के पास जो तुम्हारा रिज़्क है वो बड़ा बेहतरीन है और हमेशा बाकी रहने वाला है। हमारे नबी सोकर उठे, उमर बिन खत्ताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, नबी के पीठ पर बोरिए के पूरे निशाना बढ़ गए थे। उमर बिन खत्ताब देखो रो पड़े, बोले अल्लाह के नबी आपकी कैसी हालत है ना, कितनी गरीबी है ना तुम्हारी, तुम्हें जो सौ कोठरी हैं ये फटी सो हासिर पो, ये हासिर के पूरे निशान तुम्हारे बदन पर पड़ गई। अल्लाह उनको खैसरो किसरा मुल्क रूम मुल्क शाम बड़े बड़े अंबार खजाने दिया, बड़े बड़े दौलतों पर राज कर रही, कायनात के पैगंबर हो को कई सब फटी से हसीर पर सो कुटरी ना, तुम्हारे बदन पर पूरी निशाना पड़ गई। अरे अल्लाह के नबी हमको देखा नहीं जा रहा, रोना आ रहा, उमर बिन खत्ताब रोते बैठ गए। हजरते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये हालत देखकर कहते हैं उमर तुम फिक्र मत करो, खैसरो किसरा वालों को पूरी दुनिया अल्लाह दे डाला, दुनिया ही में उनको सब कुछ है, हमारे लिए अल्लाह आखिरत में उठा कर रखा, ये दुनिया में अल्लाह हमने नहीं दे रहा आखिरत में दे रहा। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज में पैर सूज जाते थे, इतने मोटे हो सूज जाते थे नबी के, कई को पेट में खाना नहीं रहता था, घंटियाँ से घड़ते थे, नबी के पैर में सूजन आ जाती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी पेट पर पत्थर बांध कर दिनांग गुजारते थे, भूख से घसी तारी हो जाती थी। अल्लाह ताला जिब्राइल को बोलकर भेजा, मेरे नबी अगर आप हाँ कहें खैसरो किसरा के खजाने तुम्हारे कदमों में लाकर अल्लाह डालने के लिए तैयार है, तुम्हें हाँ कहें बोलो तुम ना खजाने अल्लाह लाखो अल्लाह, इतनी गरीबी इतनी फाका कशी कहीं को गुजार। अल्लाह के नबी ये जवाब सुनको क्या बोले, सर सजदे में रखकर रोने लगे, बोले अल्लाह मैं तुझसे माल का सवाल नहीं करता, मैं तुझसे दौलत का सवाल नहीं करता, खैसरो किसरा के खजानों का सवाल नहीं करता, अरे अल्लाह जो मेरी हालत है वो बहुत अच्छी है, जिस दिन मुझे रोजी मिलेगी तेरा शुक्रिया अदा करूंगा, जिस दिन रोजी नहीं मिलेगी रोजा रख लूंगा, तुझसे गिड़गिड़ा के रोजी मांगूंगा, अरे अल्लाह मुझे बहुत भूख लग रही खाना अता फरमा, अरे अल्लाह ये जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, मुझे खैसरो किसरा के खजाने नहीं चाहिए। फिक्र मत करो अल्लाह उनको दुनिया में दे डाला, हमना अल्लाह आखिरत में उठा कर रखे। मैं ये हदीस सुनाकर ये बताना चाहता हूँ जिन लोगों के पास गुर्बत के अय्याम हैं, गरीबी अल्लाह रखा, पहनने के वास्ते कपड़े ढंग के नहीं, रहने के वास्ते मकान ढंग का नहीं, फिक्र ना करें, फिक्र ना करें, दौलत की हिरिस ना करें, दुनिया के माल मता की तमन्ना ना करें, अल्लाह जिस हालत में भी रखे अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि ये दुनिया हमारी असल जगह नहीं है, आखिरत हमारा असल ठिकाना है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको दुनिया में नेक अमल करके आखिरत में अल्लाह की जन्नत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।